लगातार ये मांग की जा रही है महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद कि शिवसेना में राज ठाकरे की वापसी होनी चाहिए। इस पर अभी हाल ही में राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ने भी कुछ बातें कही थी कि अगर उद्धव की तरफ से यानी ठाकरे परिवार की तरफ से वहां सामने से कुछ कदम उठाए जाएंगे तो जरूर हमारे सामने से भी सोच विचार किया जाएगा इस फैसले पर। लेकिन आप सभी को बता दें कि मातोश्री को लेकर और कुछ बड़ी बातों को लेकर शायद राज ठाकरे वापसी के मूड में तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस समय आवश्यक है परिवार को एकजुट होने की। दरअसल जब परिवार टूट रहा था यानी कि पार्टी टूट रही थी शिवसेना, तो बागी विधायकों को लेकर रश्मि ठाकरे ने ये बात कही थी और आदित्य ने बात कही थी, यहाँ तक कि उद्धव ने भी ये बात कही थी कि एक पार्टी नहीं एक परिवार है और उसको टूटने नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा इसमें फूट डालने की कोशिश कर रही है जिसमें डिवाइड एंड रूल करके वो राज करना चाहती है महाराष्ट्र की सत्ता पर, जिसमें कामयाब भी होती नजर आई सेंध लगाने में। लेकिन राज ठाकरे की वापसी को लेकर तमाम कयास लगाए जाते हैं कि क्या राज ठाकरे की वापसी बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव को मजबूती देगी, क्या राज ठाकरे की वापसी होगी भी या नहीं होगी। अभी हाल ही में राज ठाकरे ने जो बातें कही उद्धव को निशाने पर रखकर वो अपने आप में साफ कर रहे कि शायद राज ठाकरे का मन नहीं वापस आने का। राज ठाकरे ने कई सवाल खड़े किए, चचेरे भाई उद्धव ठाकरे पर जनादेश का सम्मान न करने का भी आरोप लगाया। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जनादेश भाजपा शिवसेना गठबंधन को मिला था। राज ने ऐसी पार्टियों को सबक सिखाने का आह्वान भी मतदाताओं से किया जो जनादेश का सम्मान नहीं करते। उन्होंने महाराष्ट्र की वर्तमान राजनीति पर परिस्थितियों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस समय यहाँ जो चल रहा है वह समझ से परे है, अब तो यह भी नहीं पता चलता कि कौन कहाँ था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ने ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी जो यहाँ पिछले 2.5 वर्षों से हो रही है। ये राजनीति नहीं बल्कि सत्ता और धन का अस्थायी एडजस्टमेंट है। मतदाताओं ने अपनी पसंद के आधार पर लोगों को वोट दिया था, लेकिन अब उन्हें खुद पता नहीं हो रहा कि उनके द्वारा चुने गए लोग किसके साथ हैं। जिन पार्टियों को लोगों ने सत्ता से बाहर करने के लिए मतदान किया था वे उन पार्टियों के साथ आ गई, जिन्हें सत्ता के लिए मतदान किया था वो पार्टी ही अलग हो गई। यानी कि बीजेपी शिवसेना को जनमत मिला था वो पार्टी अलग हो गई, और कांग्रेस और एनसीपी को उतना सपोर्ट नहीं मिला था लेकिन उन्हीं के साथ शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई। राज ठाकरे की बातें उद्धव ठाकरे के खिलाफ नजर आई और बीजेपी के थोड़ा बहुत समर्थन में या फिर शिंदे गुट के समर्थन में। लेकिन एक समय पर रामदास कदम ने भी बात कही थी कि राज ठाकरे की वापसी पर बात की गई थी मातोश्री में और ये कहा गया था कि राज ठाकरे क्या कभी वापसी कर पाएंगे, क्या उनकी वापसी पर विचार किया जाएगा। इस पर उद्धव ने जो बात कही थी रामदास कदम ने उसका खुलासा करते हुए कहा था कि इस पर सोच विचार किया जाएगा, इस पर भी जरूर सोचा जाएगा कि क्या फैसला लिया जाए क्या नहीं। लेकिन अभी तक इस मामले पर खुलकर कभी उद्धव ठाकरे नहीं बोलते नजर आए। और एक वो समय था जब राज ठाकरे जी तोड़ मेहनत मातोश्री के लिए यानी कि करते नजर आ रहे थे शिवसेना पार्टी के लिए, तब उनको बड़ा झटका लगा था जब उद्धव ठाकरे की ताजपोशी हुई थी अध्यक्ष पद पर और राज ठाकरे को ना सिर्फ शिवसेना पार्टी का अध्यक्ष पद मिला था बल्कि उनको पार्टी से ही अलग कर दिया गया था। उनका जो बड़ा फैसला था उसने महाराष्ट्र की राजनीति को और ठाकरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। और हाल ही में अभी जब स्मिता ठाकरे को लेकर खबरें सामने आई, राज ठाकरे को लेकर जब खबरें सामने आई, तस्वीर साफ होती नजर आई कि परिवार में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में सरकार जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना पसंद करते थे खुद बाला साहब ठाकरे, उनसे हटकर उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया मुख्यमंत्री पद को लेकर सिर्फ, क्योंकि मुख्यमंत्री पद वो चाहते थे। इस पर राज ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया साफ कर दी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि राज ठाकरे की अगर वापसी होती है तो क्या वो उद्धव के समर्थन में होगी या सीधा शिवसेना के अध्यक्ष पद पर होगी। क्या कुछ होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, जिसको लेकर कयासों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। लेकिन एक बात साफ करना चाहते हैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बार बीएमसी चुनाव में क्या लगता है, क्या उद्धव की जो हमेशा जीत होती नजर आई थी शिवसेना पार्टी के मुखिया पद के तौर पर शिवसेना की पार्टी की जीत होती नजर आई थी, क्या इस बार उद्धव गुट को बड़ा झटका लगने वाला है, क्या उन सब में राज ठाकरे भी इस बार बढ़ चढ़कर काफी ज्यादा बहुमत हासिल करेंगे यानी कि पिछले मुकाबले इस बार ज्यादा उनको मत मिलेगा। इस पर आपकी क्या राय है, क्या राज या उद्धव किसको जनता इस समय ज्यादा पसंद कर रही है, अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अगर आप भी चाहते हैं राज ठाकरे की वापसी मातोश्री में हो, उद्धव गुट में हो या शिवसेना के मुखिया पद पर हो तो अपनी राय भी बता सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।